का देश का आंतरिक मामला है, इसमें से भारत सरकार कैसे निर्णय करेगी उनका विषय है, पर विश्व हिंदू परिषद के नाते हमारा जो चिंता का विषय है, वहाँ एक और छात्र संगठन रातों रात बना और उसने वहाँ कुछ आंदोलन शुरू किया और इसे घटना के पहले ही दो तीन काउंसलर की हत्या भी हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस आरक्षण विरोधी विषय को लेकर के पहले आंदोलन थोड़ा शांत हो गया, फिर अचानक ये उसी छात्र संगठन ने इसको आगे बढ़ाया। और जिस तरह का दृश्य, एक दिन कुछ छोटा मोटा आंदोलन होता है, आगजनी होती है, दूसरे दिन तख्ता पलट जाता है और टारगेट पर तुरंत 1 घंटे बाद हिंदू आ जाता है। तो विश्व हिंदू परिषद का चिंता का विषय है कि वहाँ रहने वाला जो 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू वहाँ रह रहा है, वो उसकी सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार दे, और ये देश में जो वातावरण बढ़ रहा है ये भी उससे मिलाकर के चिंता का विषय है। हिंदू समाज से हमारा आग्रह है, भारत सरकार से आग्रह है कि उस घटना को सिर्फ बांग्लादेश की घटना नहीं समझते हुए अपने देश से तुलनात्मक करके करना चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि विदेशी षड्यंत्र के तहत, जिसमें साम्राज्यवादी शक्तियाँ हिंदुत्व विरोधी शक्तियों ने मिलकर के ये सारा बांग्लादेश में तख्ता पलट किया है, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार जो थी वो भारतवर्ष के नज़दीक थी, ये कई देशों को अखरता था। हम अपने देश के सभी समाज के लोगों से निवेदन करते हैं कि घटना को देखें और विचार करें कि अगर भारतवर्ष में ऐसा कुछ हुआ तो हमारी क्या तैयारी है। तो जागृत होकर रहें, घटनाओं को देखें, निर्णय करें और देश पुनः उसी स्थिति में नहीं पहुंचे जो 47 में था। ये चिंता का विषय सरकार का भी है, लेकिन सबसे पहले आम हिंदू समाज का है। सभी हिंदू समाज को इस विषय में सोचना चाहिए, ऐसा हमारा निवेदन।